एक अलग विडंबना है कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस बात को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं कि साल 1950 में इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन मजे की बात तो यह है कि हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या को यह भी नहीं पता कि संविधान आखिर है क्या, इसका मूल क्या है और संविधान में अंकित उनके मौलिक अधिकार क्या है। सामान्यतः संविधान को पॉलिटिक्स का अंग माना जाता है और अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसे एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है और खासतौर से IAS की परीक्षा के लिए तो इसकी जानकारी बेहद जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम की YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, भारत का संविधान। यह गौर करने वाली बात है कि जब हमारे संविधान को तैयार किया जा रहा था तो शिक्षक वर्ग पर अंग्रेजों का वर्चस्व था, जिसे बाद में बदलकर हिंदी में अनुवाद किया गया। लेकिन एक अजीब बात यह हुई कि इसका हिंदी में अनुवाद तो हुआ लेकिन इसकी रूपरेखा पूरी तरह बदल गई, जिसे आम आदमी तो क्या एक हिंदी का विद्वान भी नहीं समझ सकता था। किसी भी देश का संविधान उसकी रूपरेखा तैयार करता है, या यूं कहें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रमुख अंगों की स्थापना के साथ साथ उनकी शक्तियों का भी निर्धारण करता है। भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो चुका था, लेकिन नए गणराज्य के संविधान को बनने में लगभग 3 सालों का समय लगा और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब भारत आजाद हो चुका था तो संविधान की क्या आवश्यकता थी, क्यों और कैसे इसकी आवश्यकता महसूस हुई। दरअसल अगर हम भारत के इतिहास पर गौर करें तो पाएंगे कि भारत पर अनेक शासकों का शासन था जो हमेशा से ही अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ते रहते थे और इसी मतभेद के कारण अंग्रेजों ने हम पर राज किया। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे राजाओं के मध्य मतभेद कायम रहे। काफी वर्षों बाद जब अंग्रेजों का पतन हुआ तो भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए और सभी राजाओं को साथ लाने के लिए इतने सारे अधिनियम पारित हुए, जैसे अगस्त प्रस्ताव, जिसकी मुख्य विशेषता यह थी कि संविधान बनाने का अधिकार केवल भारतीयों के पास ही होगा, क्रिस्प मिशन, शिमला सम्मेलन और न जाने कितने। आपको पता है स्वतंत्रता के बाद हमारा सबसे पहला अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था और इसी के साथ सभी प्रांतों को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वे अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी हिस्से में शामिल हो सकते हैं। साल 1922 में पहली बार संविधान सभा की मांग उठी थी और 9 दिसंबर 1946 को केवल 207 लोगों के साथ इसकी पहली बैठक हुई थी। हैदराबाद की एक ऐसी रियासत थी जो इस सभा में मौजूद नहीं थी और इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसके द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। अब हम बात करते हैं संविधान की रचना की। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसको विश्व के अलग अलग हिस्सों के अंशों से मिलाकर बनाया गया है। अब यहाँ पर कई आलोचकों द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है कि मूल यानी संविधान भी हमारा नहीं है, जिसके उपलक्ष्य में यह उल्लेखित किया गया है कि संविधान को केवल भारत की स्थिति को सुधारने के लिए ही बनाया गया था, शायद इसलिए इसमें संशोधन करने का प्रावधान निहित है। जहां एक तरफ आलोचनकर्ता इसके दोष निकालने पर उतारू है तो वहीं दूसरी तरफ इसके कई सारी विशेषताएं भी हैं, जैसे सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज, डायरेक्टिव, वोकेशनल सफरेजेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आइए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ तत्वों पर गौर फरमाते हैं। नागरिकता, जिसे भाग 2 में अनुच्छेद 4 से 12 में अंकित किया गया है, इसके अनुसार हमारा संविधान नागरिकों को 5 श्रेणियों में बांटता है। जैसे प्रथम श्रेणी में वह लोग आते हैं जिनका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरी श्रेणी में वह जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, तीसरी में जो पाकिस्तान से भारत आए थे, चौथा वह व्यक्ति जो विभाजन के समय तो पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर से भारत में आकर रहने लगे, और पांचवा जिनका जन्म तो अविभाजित भारत में हुआ था लेकिन अब वो किसी दूसरे देश में रहते हैं। इसी के साथ मौलिक अधिकार, जिसे भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में अंकित किया गया है, हम अपने मूल अधिकारों से प्रतीत तो होंगे ही, अक्सर हमें पॉलिटिकल साइंस में यह पढ़ाया जाता है, चलिए आज फिर से इन्हें रिकॉल कर लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह वे मूल अधिकार हैं जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, और अगर कोई इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करता है तो वह दंड का पात्र होता है। तीसरी आती है संघीय कार्यपालिका, जिसे संविधान के भाग 4 में अंकित किया गया है। भारत की कार्य प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत एक मंत्री परिषद गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रधान हमारा राष्ट्रपति होता है, लेकिन इसके पास सारी शक्तियां नहीं होती। यह केवल वही करता है जो इसके मंत्रिपरिषद द्वारा सुझाया जाता है, यानी सरल शब्दों में एक कठपुतली। एक व्यक्ति चाहे कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, केवल खेल होता है समर्थन का। अगला भाग आता है भारतीय संसद, जिसे 5 में सम्मिलित किया गया है, जिसमें राज्यसभा, उसके सदस्यों की प्रक्रिया, उनकी योग्यताएं, कार्यकाल, लोकसभा, इसके सदस्यों का निर्वाचन, उसका कार्यकाल, सामान्य संबंध प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में कई सारे अहम भाग हैं, जैसे संघ राज्य क्षेत्र, पंचायतें, नगर पालिका, संघ और राज्य के बीच संबंध, राजभाषा की समस्या, संविधान का संशोधन, विभिन्न आयोग, जम्मू और कश्मीर की शासन व्यवस्था और समीक्षा आयोग। अगर आप IAS के स्टूडेंट हैं और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स को विस्तार में पढ़ने के लिए प्रभात प्रकाशन की बुक भारत का संविधान को पढ़ सकते हैं, जिसे डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री प्राप्त की और लगभग 6 सालों तक भारत सरकार के न्याय विभाग में संयुक्त सचिव भी रहे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। UPSC की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें UPSC CSAT, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या Flipkart से और क्रैक करें UPSC एग्जाम।